Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंदी वर्शिप होवे, हालेलुया, धन्यवाद हो, उदी जय जयकार हो, उदी स्तुति हो, उदी आराधना हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हालेलुया। आओ सारे वचन नु खोलांगे, अज तुसी ब्लेस होण जा रहे मल्टीली तरीके ना। जैम सी दी गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। राइट नाउ दूसरे भैन भरावां तक इनू वंडो, ताकि दूसरे भैन भरा भी बरकत पा सकन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हालेलुया। हालेलुया, जीसस ताडी वर्शिप हो। राइट नाउ दूसरे तक इनू शेयर करो, दूसरे भैन भरावां तक इनू वंडो, शेयर करो, ताकि अज दा वर्ड मेरी भैन मेरे भाई तुहानू सेम नहीं रहन देण वाला, अज दा वर्ड तुहानू चेंज करन वाला, तुहानू ग्लोरी च लिजाण वाला वा, अज दा वचन तुहानू तुहानू अनॉइंट करन वाला। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जेनेसिस कढ़ांगे असी, उत्पत लिखिया, हालेलुया, उहदी एक ऐच लिखिया, एक चैप्टर च लिखिया, आद विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पत कीता। धरती बेडौल ते सुंजी सी अते डुंग्याई उत्ते हनेरा सी, अते परमेश्वर दा आत्मा पाणियां उत्ते लहलहाउंदा सी। पाणियां उत्ते मंडराउंदा सी परमेश्वर दा आत्मा। धरती बेडौल ते की सी? सुंजी सी। सारियां डुंग्याईयां विच हर पासे हनेरा सी, ते परमेश्वर दा आत्मा, होली स्पिरिट, परमेश्वर दा आत्मा पाणियां ते मंडराउंदा सी। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। तीन चैप्टर नूं आपां, इहदे दो चैप्टर नूं पढ़ांगे उत्पत्त, इच लिखिया, हालेलुया, छे आयत च लिखिया, पर धुंद धरतियों उठ के सारी जमीन नूं सिंजदी सी। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं जमीन दी मिट्टी तो रचिया अते उहदियां नासां विच जीवन दा साह फूकिया, सो आदमी जिउंदी जान हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे दो चैप्टर दी 17 च लिखिया, पर भले बुरे दी सियाण दे बिरिश तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। और उन्हें खा लिया, असी सारे जानते, शैतान ने सप दे विच आके हवा नू परमाया, और हवा ने खादा दे नाल आदम नू खवाया, ते कहिंदा जिद्दन तू परमेश्वर ने कहा सी तू खावेंगा इस नू, इस भले ते बुरे दी सियाण ते बिरिश तो फल जिद्दन तू खावेंगा जरूर मरेगा। ये की होया? आत्मिक तौर ते आदम ते हवा मर गए। हालेलुया, हालेलुया। और की होया? परमेश्वर तो दूर हो गए आदम ते हवा, आत्मिक तौर ते मर गए। क्योंकि शुरुआत दे विच दूसरी आयत असी पढ़िया कि परमेश्वर दा आत्मा पाणियां उत्ते की करदा सी? मंडराउंदा सी, लहलहाउंदा सी, अनेरा सी हर पासे, धरती बेडौल ते सुंजी सी। की सी? सिर्फ परमेश्वर दा आत्मा पाणियां ते मंडराउंदा सी। हालेलुया। और की होया? इहनूं ध्यान नाल अज दे वचन नूं सुनना। आदम ते हवा, जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, उहदे नथना दे विच, उन्हों मिट्टी तो बनाउण तो बाद उहदे नथना च, उहदे नासां दे विच जीवन दा साह फूकिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इह साह की सी? पवित्र आत्मा सी। उह जिउंदी जान हो गया, पर उहनूं हदायत दित्ती, इह तूं नहीं करना, जे तूं इह फल खादा तूं जरूर मरेगा। उहने खादा फल, उह मर गया। पर मैं तुहानूं लिजाणा चाहुंदा उस स्थिति ते जिथे अज तुसीं ते मैं आए हुए हैं। असीं अज ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 15 ਚੈਪਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। 15 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यदि 46 आयत तो असीं पढ़ांगे। यदि असीं
45 तो पढ़ांगे, 45 तो पढ़ांगे। इउं लिखिया भी है, जो पहला मनुख आदम जीउंदी जान होया, छेकड़ा आदमन जीवन दाता आत्मा होया। पर पहला वो नहीं जेड़ा आत्मिक है, सगो वो जेड़ा प्राणिक है, फिर एदे मगरों वो जेड़ा आत्मिक है। पहला मनुख मिट्टी का बनिया, दूजा मनुख सुरगो है। जिवें वह मिट्टी का सी तिवें वह भी जेड़े मिट्टी के हैं, जिवें वह सुरग का है तिवें वह भी जेड़े सुरग के हैं। जिस तरह असा मिट्टी वाले का सरूप धारिया है, इस तरह सुरग वाले का भी सरूप धारांगे। आमैन, हालेलुया। पहले आदम तो की होया, मौत आ गई, उन्हें पाप किया। दूजा आदम कौन आ, जिहड़ा शरीरक नहीं सी, जिहड़ा आत्मा द्वारा पैदा होया। मां मरियम दे उत्ते पवित्र आत्मा आया, महान परमेश्वर की कुदरत ने छाया किया, तो गर्भवती हुई और यीशु मसीह पैदा होया। और दूसरा आदम कौन आ, यीशु मसीह जी के द्वारा जिंदगी आई। पहले आदम द्वारा की आया, मौत आई, क्योंकि उन्हें पाप करके मौत साढ़े ले आती। असी भी उस आदम की औलाद हाँ, मौत ने साढ़े उत्ते राज किया। पर दूजा आदम यीशु मसीह जी के उत्ते असी नेचा की, जिहड़ा धरती तो नहीं आ, स्वर्ग तो हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया, जिहड़ी रोटी जीवन की रोटी वह मैं हाँ। तुसी कहने ना, तुसी मन्ना खादा सुरग तो उतरिया, सुरग की रोटी नहीं, सुरग की रोटी मैं हाँ, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। इस करके यीशु मसीह जिहड़ा वा वह सुरग की रोटी है, जिहड़ी परमेश्वर ने सानू दित्ती। कहिंदा जिहड़ा यह रोटी चुखाऊगा कदे भुखा नहीं रहूगा, कदे मरूगा नहीं। हालेलुया। जगत का चानण कहिंदा मैं हाँ। अच्छा, मैं तुहानू दसना चाहुंदा जिहड़ी मेन चीज आ, वह यह आ कि दूसरा आदम जिहड़ा यीशु मसीह उत्ते नेचा करन दे द्वारा तुसी ते मैं परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तर बन चुके हैं। हालेलुया। असी की हाँ, परमेश्वर के धीआं ते पुत्तर बन चुके हैं। और की अज साडे अंदर कौन आ चुकिया, उही परमेश्वर जिहड़े आत्मा नूं गवा दिता, आत्मा च डिग पिया, आत्मा तो लै लिया गया, पवित्र आत्मा अज यीशु मसीह के वसीले ना वह परमेश्वर का आत्मा सानू दिता गया। अज असी मुरदा नहीं है, क्योंकि असी पहले आदम तो बिलोंग नहीं हुण करदे, असी दूजे आदम तो बिलोंग करदे जिहदा नाम यीशु मसीह नासरी आ। एक बारी कहिए हालेलुया, गुड न्यूज आ, एक गुड न्यूज आ जिहड़ी मैं तुहानू वंड रहा, क्योंकि असी सैकेंड आदम तो बिलोंग करदे हुण। हालेलुया। ताइयों तुहाडे ते हुण कोई करस कम नहीं कर सकदा, कोई श्राप कम नहीं कर सकदा, कोई जादो टोना नहीं कम कर सकदा, कोई पीढ़ियां दे पाप तुहाडे नूं हुण फॉलो नहीं करदे। क्यों? तुसी पहले आदम तो नहीं आ, तुसी सैकेंड आदम तो आ हुण, जिहदा नाम आ प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। हुण अगली जिहड़ी गल अज मैं तुहानू वंडना चाहुंदा, जे आद विच परमेश्वर दा आत्मा पानियां ते मंडराउंदा सी, परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, उहदे नथना च उही आत्मा फूकिया, वह जीउंदी जान हो गया, परमेश्वर नाल फैलोशिप करन वाला एक साथी परमेश्वर दा बन गया आदम। हालेलुया। तो जो आत्मिक तौर पर डिग गया, तो वह आत्मा उतो लै लिया गया, आत्मिक तौर पर वह मर गया। तो हुण यीशु मसीह दे वसीले नाल उही आत्मा सानू फिर तो मिल गया। दसो कि तुहानू हुण लोड़ आ किसी दुनियावी इंटरटेनमेंट की, तुहानू जरूरत आ किसी दुनियावी चीज़ां च बिजी होण की। अज शैतान ने तुहानू ते कई लोगों छलावे विच पाया होया कि तैनू जरूरी तू हर मैसेज का जवाब दे, तैनू जरूरी तू हर कॉल अटेंड कर, तैनू चाहीदा वा, नहीं तो तू जिंदगी चल नहीं सकता, तैनू जरूरी तू वर्ल्ड ना भी जुड़िया रवे, तैनू जरूरी आ कि तू हर चीज अटेंड करे। अज दो मैसेज का तुसी जवाब नहीं दिने, तुहाडे दिल च तोड़ा खोई लग जाती कि नहीं नहीं, अगर मैं मैसेज का जवाब नहीं दिता उन्हें गुस्से हो जाना। इहदे नाल की हुंदा, मैसेज आ ही जा रहा, तुहानू शैतान बिजी करी जा रहा, तुसी बिजी हो ही जा रहे हैं, तुसी चाहुंदे जदों मैनूं मैसेज आवे मैं झट उहदा जवाब दे देवां, झट फोन ऑन करा, झट रिस्पोंसा दे देवां, झट मैं फोन चक्का, झट जवाब दे दां, किते वह बंदा मेरे तो खुंझ ना जाए, किते वह लोग मेरे तो दूर ना हो जाए, किते वह चीज़ मेरे तो मिस ना हो जाए, किते वह खबर मेरे कन्ना तक पहुंचण तो ना रह जाए, हर चीज़ मैनू पता लगनी चाहिए है। पर मैं तुहानू दसना चाहुंदा, जे आदि च परमेश्वर का आत्मा सी, ते हुण भी तुहानू उहदे आत्मा की लोड़ आ। अज सोचो, जे कोई भी चीज़ लेट हो जूगी ना, परमेश्वर दे आत्मा नूं बचाउण दा करके वह लेट नहीं होगी, वह वधिया होगा। खुदा कोई चीज़ तुहाडे तो खुंझण नहीं दूगा। यह अज मैं प्रोफेसी करदा, अगर तुसी पूरी वाह लाओ कि मैनू परमेश्वर दे आत्मा की लोड़ सी, क्योंकि आदि च उही परमेश्वर दा आत्मा पानियां ते मंडराउंदा सी, उही आत्मा हुण मेरी लाइफ च दूजे आदम द्वारा यीशु मसीह द्वारा मेरी लाइफ च आ गया, मैं उहनूं गवाउणा नहीं आ, मैं उहनां समां स्पेंड करना,
अज तुसी झट प्रेयर करके भजदे आ ताकि मैं फोन ते जवाब दवां लोकां नूं, ताकि मैं फोन ते कनैक्ट करा लोकां नाल, ताकि मैं हर चीज़ का जवाब दवां, मैं हर चीज़ च मैं कनैक्टड रहा इस संसार दे विच। नहीं मेरी भैन, ये छलावे आ शैतान दे। फोन आउण तो पहला भी दुनिया चल रही सी, हुण फोन आ गया तुहानूं लगदा इस तों बिना गुजारा नहीं है। नहीं, इक्को चीज़ की लोड़ आ, परमेश्वर का आत्मा वा। सोच के देखो, आद दे विच ये नहीं लिखिया मोबाइल सी, आद दे विच ये नहीं लिखिया इंटरनेट सी, ये आद दे विच ये नहीं लिखिया दुनिया दे मैसेज दा लोकी गल्लां करदे, सिर्फ आद दे विच परमेश्वर दा आत्मा सी। परमेश्वर ने वचन बोलिया चानण होवे, चानण हो गया। अज परमेश्वर दा वचन आ तुहाडे लई, इहनूं जगह दो अपने हिरदे दे विच, चानण तुहाडी लाइफ अज हो रहा राइट नाउ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह दे नेचा करन दे वसीले नाल साडी लाइफ च आ चुकिया। हुण ओह आत्मा नूं समा दो, पवित्र आत्मा नाल फैलोशिप करो। रोज अगर समा है तीन टाइम दुआ करो, दानियल दी तरह वर्शिप करो परमेश्वर दी, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर दे आत्मा नाल गल्लां करो। कहो परमेश्वर दे आत्मा मैनू चाहीदा कि तुसी मैनू सिखाओ, मैनू यीशु दे वांगर बनाओ। पवित्र आत्मा तो बिना तुसी यीशु वांगर नहीं बन सकते, यीशु दे करैक्टर नू नहीं समझ सकते, यीशु दे वांगर लोकां नू माफ नहीं कर सकते। ये इंपॉसिबल आ, कोई तुहाडे नाल बुरा करे तुसी उहदा भला कर सको परमेश्वर दे आत्मा तो बिना। यीशु मसीह ने कहा पिता ये नहीं जानते की करदे, उहनां नू माफ कर। क्यों? परमेश्वर दे आत्मा द्वारा पैदा होया, परमेश्वर दे आत्मा द्वारा भरिया होया यीशु मसीह ये गल कह पाया। हालेलुया। अज तुहानूं लोड़ आ, तुहानूं लग रहा कोई चीज मिस हो रही है, अज पूरा दिन मैं आ चीज नहीं देखी, अज पूरा दिन मैं सीरियल नहीं देखिया, मैं नाटक नहीं देखिया, मैं फोन ते नहीं आज वीडियो देखी। जे तुसी नहीं देखोगे कोई मिस नहीं होगा, पर जे तुसी परमेश्वर दे आत्मा ना समा नहीं गुजारिया अज ते कुछ मिस होया वा। ये छला शैतान दे छलावे आ मेरी भैन मेरे भाई। उह एक बारी जे मैं सच कह रहा कहीए हालेलुया, अज लगता इदां कुछ मिस हो गया, मैं तो गल नहीं हुई, मैं तो फोन नहीं अटेंड कर हुई, मैं तो उन्होंने रिश्तेदारों सारे ना कॉल नहीं कर हुई। अगर वो नहीं कर हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर परमेश्वर दे आत्मा ना गल नहीं हो रही एक प्रॉब्लम आ, एक वड्डी प्रॉब्लम आ। क्योंकि परमेश्वर का मकसद सिगा उही आत्मा तुहानू फिर तो देना जेड़ा तुसी खुंजा दिता सी, जेड़ा आदम ते हवा ने खुंजा दिता सी। वो आत्मिक तौर पर मर गए, क्योंकि आत्मा ले लिया जाए इंसान मुर्दा वा। खुशी खुशी नहीं अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं, ब्लैसिंग ब्लैसिंग नहीं अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। एक परमेश्वर के आत्मा ना चलने वाले बंदे नू पता जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा किन्नियां इंपॉर्टेंट आ। किसे खुशी च मजा नहीं अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है लाइफ च। हालेलुया हालेलुया। राइट नाउ वचन नू दूजे तक वंडो, क्योंकि अज लोग बिजी आ, लोग सोचन डे मैं कल्ला ही हाँ, शायद मैं मैसेज आ रहा, मैं जरूरी है रिस्पोंस देना, ओ मेरे व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा, वो फेसबुक, वो आ चीज, वो मैं कॉल आई, मैं जल्द तो जल्द नहीं अगर टाइम काट के उन्होंने भी जवाब देना, पर वो मिस होंदे हो जाए परमेश्वर दे आत्मा ना ताड़ी गलबात मिस ना हो। हालेलुया। रोटी खानी मिस हो जाए परमेश्वर दे आत्मा ना फैलोशिप करनी मिस ना हो। पॉलस ने की किया, पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह की कृपा पवित्र आत्मा की संगत ताडे सबना दे नाल होवे। की तुसी रोज संगत करदे पवित्र आत्मा ना? फिर तुसी क्यों चाहुंदे आ कि पाप मेरी लाइफ चो दूर चलिया जावे अगर तुसी उन्हां संगत ही नहीं करदे? क्योंकि उहदे नाल संगत करन ची पाप ना तुसी पाप ते फतह पा सकदे। जो तुसी रोज उन्हां संगत करोगे वो तुहानू भरदा जाऊगा अपनी हजूरी ना, अपनी सामर्थ ना, अपनी फायर ना, अपने वचना दे प्रकाश ना। ये वचन तुहानू समझाउण लग पैणगे क्योंकि उहदे आत्मा द्वारा लिखे गए आ। ये वचन भज्जे भज्जे जांदे आ पढ़न वाले वचन नहीं है मेरी भैण। तुसी सोचो जी भज्जा भज्जा काम ते जाना मैं पढ़ जाना, पढ़ो इदां भी दैट्स नो प्रॉब्लम, पर आराम ना भी समा कढ़ के नू पढ़ो। परमेश्वर दे आत्मा नू कहो होली स्पिरिट, परमेश्वर दे आत्मा मैं थक चुकिया ओन योर ओन लड़ाई करके, मैं थक चुकिया अपने आप दे जोर ना चल के, अज मैनू तुहाडी लोड़ आ परमेश्वर दे आत्मा। अज मैं सुन रहा कि आद दे विच तेरा आत्मा पानिया ते मंडरौंदा सी, जे आद च तेरा आत्मा सी हुण भी मैनू तेरे आत्मा दी लोड़ आ।
क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा चानण होवे, वो परमेश्वर के मुंह चो वचन निकलिया पर उन्हें पूरा किने किया आत्मा ने। यीशु मसीह धरती से आना सी कि द्वारा आया, आत्मा के द्वारा। मां मरियम गर्भवती हुई कि द्वारा हुई, आत्मा के द्वारा। दाऊद कि भर के किंगशिप कर सकिया, आत्मा ना भर के, परमेश्वर दे आत्मा ना भर के। ताइयों ने क्या खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। ताइयों दाऊद ने जो गुनाह करता, दाऊद ने क्या परमेश्वर अपना आत्मा मैथों ना ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया ते पवित्र आत्मा उदे उत्ते उतरिया। यीशु मसीह आत्मा दी अगवाई ना उजाड़ च गया, रोजे रखे 40 दिन, परख्या गया, शैतान लो परताया गया और विजयी होके सामर्थ ना पार के निकलिया और आत्मा द्वारा प्रीच कीता, आत्मा द्वारा चलिया, आत्मा द्वारा बीमारा नू चंगे कीता, आत्मा द्वारा चलदा होया साडे लई क्रूस ते कुर्बान हो गया। ते उसे आत्मा ने बाइबल दस दिया उनू मुर्दियां चो जिवा लिया। हालेलुया। ते उसे आत्मा दे द्वारा वो आ रहा, उसे साह द्वारा शैतान नू खत्म करन जा रहा परमेश्वर। हालेलुया। कहिए तेरे आत्मा दे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हां, कहिए हालेलुया। तनु किसे भी चीज की होर लोड़ नहीं है, तनु लोड़ दी आत्मा ना तड़ा कॉन्टैक्ट बनिया रवे। आज बिजी ना होवो, शैतान नू एको ही पई हुई आ, इनू बिजी कर देवा, इनू लेजी कर देवा, इनू डिले कर देवा, इनू मिसमैनेजमेंट च ले आवा। जे प्रेयर च होण चला मैं दे दिल च पावा, पहला आ कम कर ला फिर प्रेयर च जाई। तुसी ओ कम करन लगदे आ फिर प्रेयर दा माहौल ही नहीं बनता, तुसी गवा देने माहौल और एक दिन लंघ जाता, तुसी सोचते चलो कल नू प्रेयर च जाऊंगा। नो, जो प्रेयर च जाना सारिया चीजा स्टॉप करके कहो कि परमेश्वर का आत्मा मैं बुला रहा, मैं उन्हें फैलोशिप करनी है। पौलुस उन्हें फैलोशिप करता होया कहता कि हुण कहता मैं सबो कुछ कर सकता वो जिहड़ा मैं सामर्थ दिता है। कहता निर्बलताइया ची तेरी सामर्थ परमेश्वर पूरी होंदी है। अज जे आद च आत्मा सी हुण भी आत्मा दी ही लोड़ आ सानू। आत्मा तो बिना ताड़े तो फोन नहीं वधिया हैगा ना, गड्डी चल जाऊगी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ताड़े तो आत्मा नहीं रहा तो फिर गड्डी नहीं चलनी हैगी। अगर ताड़े तो अच्छे कपड़े नहीं आ गड्डी चल जाऊगी मेरी पैण मेरे पाई, अगर पवित्र आत्मा ना रहा फिर नहीं कुछ भी होना। कहिए हालेलुया। अगर जेब च पैसे थोड़े आ चल जाऊगी गड्डी, परमेश्वर तुहानू रिजेक्ट नहीं करन लगा, पर अगर उहदा आत्मा ना रहा फिर उन्हें की क्या दरवाजा भेड़ दिता। वह मूर्ख कुआरियां नू की किया कि मैं तुहानू नहीं जानता तुसी कौन आ, वह कहिंदे साडे लई दरवाजा खोलो। वह कुप्पियां च तेल कौन आ, परमेश्वर दा आत्मा। वह मूर्खियां ने आप तेल नहीं लिया, आत्मा नहीं लिया, कोई गल नहीं, अग बल रही है ना, आत्मा की गल आ। संसार में चलो, मैसेज करो लोगों नू, गुम रहो संसार च, मैरिज अटेंड करो, हर फंक्शन असी अटेंड करना, जिन्हें भी सद्या उहदे विआह ते जाना वा, जिन्हें भी क्या उन्हूं जवाब देना वा, जिहड़ा जो कहूगा मैं उदा ही करना वा। तुसी लोगों के हत्थां की कठपुतली नहीं बन सकते अगर तुसी परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलना चाहते हैं। तुसी परमेश्वर के हत्थां की कठपुतली बनोगे, जिधर वह मोड़ूगा तुसी उधर मुड़ोगे, जिधर वह भेजूगा तुसी उधर जाओगे, जो वह कहूगा तुसी वह करोगे, जो वह मुंह च पाऊगा तुसी वह बोलोगे। एक बार हत्थ उठा के कहिए हालेलुया। मेरी भैन मेरे भाई अज तुसी ब्लैस हो रहे हैं, अज कढ दिओ बाहर लाइफ चो हर वो चीज नू जड़ी परमेश्वर दे आत्मा ना फैलोशिप करन तो तुहानू रोक रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक चतर कुआरियां सी, एक मूर्खणियां सीगियां, पांच जड़ियां सी ते पांच मूर्ख सी। उन्होंने की किया जी, चलो साड़ियां मशालां बाली रही, तेल दी की आ, वो तेल पवित्र आत्मा वा, वो तेल उहदी हजूरी आ। जिहड़े लोग पवित्र आत्मा नाल समा गुजारदे उही उहदी प्रेजेंस नू अपनी लाइफ च कैरी हुंदा देख पाउंदे, अपने आप नू भरदे देख पाउंदे उहदी हजूरी नाल। अगर तुसी मेरी भैण मेरे भाई वर्शिपर मैनू सुन रहे हैं, तुसी अच्छी वॉइस दे नाल भी लोकां दी ब्लेसिंग दा कार नहीं बन सकदे अगर तुसी पवित्र आत्मा नाल फैलोशिप नहीं रोज करदे। तुसी जदों उहदे आत्मा नाल उहदे तेल नाल भरे होवोगे ताडी आवाज लोकां नू ब्लेस करेगे, तुसी गाओगे लोग ब्लेस होणगे, लोग मगन होणगे, लोग परमेश्वर नाल जुड़नगे, लोग तौबा करनगे।
हालेलुया। तुसी चाहने साडे रिश्तेदार बचन, आत्मा ना फैलोशिप करो, वो बचने शुरू हो जाएंगे। तुसी चाहने मेरे परमेश्वर यूज करे, पवित्र आत्मा ना फैलोशिप करे, करो वो तुहानू भरेगा, ओवरफ्लो होवेगा। तुसी देखोगे मैं तो हुण जोर ही नहीं ला रहा, लॉर्ड मैनू यूज कर रहे हैं, लॉर्ड डिवाइन लोग भेज रहा है, लॉर्ड कनैक्शन च लोगों लैके आ रहे हैं। ओ हालेलुया। हथा उठाओ, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, जिन्हें वचन सुन रहे लॉर्ड तेरे आत्मा ना फैलोशिप करने वाले हो जान, रोज खुदा तेरे आत्मा ना संगत करन। ओ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की संगत इन्हों की लाइफ का हिस्सा हो, रोज दुआ करन, पवित्र आत्मा ना समा गुजारन। हर शैतानी योजनावां, हर बिजी स्पिरिट, हर लेजी स्पिरिट, हर एक डिले दा आत्मा, हर मिसमैनेजमेंट होली गोस्ट दी फायर द्वारा इन्हों की लाइफ चो खत्म होवे, निकले बाहर, निकले बाहर, निकले बाहर। ए परमेश्वर रोज तेरे वड्डे हाथ दे नाल भर सकन, रोज तेरी फायर नू रिसीव कर, रोज प्रेयर लाइफ होवे इन्हां दी, रोज तेनू प्रियोरिटी देन। मैसेज भेजिया या नहीं भेजिया, किसी रिश्तेदार नाल गल होई या नहीं होई, कुछ कम होया या नहीं होया, वो पहले नंबर ते ना होवे, वो दूजे नंबर ते, पहले नंबर ते तेरे आत्मा ना समा गुजारिया या नहीं गुजारिया, ये इन्हां दे जीवन च पहली थिंकिंग होवे। अज तो बाद प्रभु यीशु दे नाम च लॉर्ड इन्हू ब्लैस कर, ब्लैस कर, ब्लैस कर। खुदा बुद्धि का आत्मा इन्हें उतर रहा, बुद्धि का आत्मा उतर रहा, जुबान अज तो बाद तुसी परमेश्वर की महिमा ली यूज कर पाओगे। किसी की भैन मेरे भाई बुराई नहीं करनी, मसा लीक नहीं करना, बरकत लीक नहीं करनी। तुसी हो सकता वध तो वध रोजे रखने वाले परसन होवो, पर तुसी बहुत गलत बोल जाने, जुबान तो चुगली कर जाने, मसा लीक ना करो। आदत अज इनू मनो और परमेश्वर नू कहो मैनू बरकत दे कि मैं ये आदत तो छुटकारा पावा। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, तेरी ग्लोरी च तेरे लोग चल पौन, तेरी मसे च तेरे लोग चल पौन, तेरे अनुग्रह च चल पौन। बीमारी इन्हों छड़ के चली जावे, घुटनिया का दर्द इन्हों छड़ के चलिया जावे, सिर का दर्द इन्हों छड़ के चलिया जावे, हर बाजू का मोढ़े का दर्द इन्हों छड़ के जा रहे। राइट नाउ तुसी हील हो रहे मोढ़े के दर्द तो, सिर दे दर्द तो, घुटनिया के दर्द तो, तुसी हील हो चुके। राइट नाउ प्रभु तुहाडी महिमा हो, तेरे जिंदा वचन लई, तेरे आत्मा दे टच दे लई, हथां नू उठा के रसीव करो दी ग्लोरी नू, रसीव करो दे अभिषेक नू, रसीव करो दे मसे नू, रसीव करो दे अनुग्रह नू। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च हर ओ लिमिट टुट जावे तुहाडी लाइफ चो, हर ओ बंधन टुट जावे तुहाडी लाइफ चो। प्रभु यीशु दे लहू च मैं छुपा देना तुहानू, हर कोरोना वायरस दे पेशेंट हील हो जान, हील हो जान, चेस्ट पेन चली जावे। ओ प्रभु ताडे अकाउंट नू ब्लेस कर रहा, बेरोजगारी खत्म कर रहा, ताडे घर चो झगड़ा खत्म कर रहा। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच यूथ भरनगे और यूज होणगे परमेश्वर दे लई। यूथ परमेश्वर यूथ नू ग्रेट वे ना यूज करन जा रहा। जिहड़े लोग सोचदे साडा बेटा या बेटी हले बच्चा ही आ, प्रभु दाऊद की तरह उन्होंने इस्तेमाल करन जा रहा। प्रभु यीशु दे नाम दे विच सारे कहिए आमैन, सारे कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरी भैन मेरे भाई, लॉर्ड तुहाडे नाल आ, अज लॉर्ड तुहाडे नाल बोले आ, इहनू फिर तो दूजिया ना वंडो, भैन भाई ना फोन चको, उन्हू वंडना वा जदों भी लॉर्ड अगवाई करने वचन, ताकि दूजे भी लोग समझण कि आद च कौन सी, फोन नहीं सी, आद च कौन सी, इंटरनेट नहीं सी, आद च कौन सेगा, दोस्त जा चीजा नहीं सी, आद च परमेश्वर दा आत्मा सी। ओ आत्मा आज तुहाडी लाइफ च आ गया, ए सोने वर्गे चांस नू गवाओ ना, ए सोने वर्गे समय नू गवाओ ना, ए उन्हां फैलोशिप च समा गुजारो। अगर तुहानू लगता यार मैं तो डिसकोनैक्ट ही हो गया लोगों तो, नहीं, जे तुसी परमेश्वर दे आत्मा नाल कनैक्टड आ, ये उही आत्मा वा जिहड़ा आद च सीगा, जिहड़ा परमेश्वर दा वा, संसार नू बनाउण वाला। तुसी कदे कुछ खोवोगे नहीं, तुसी कदे कुछ मिस नहीं करोगे, बेस्ट चीजां तुहाडे तो होणगीआं, बेस्ट ब्लैसिंग्स तुहाडे तो होणगीआं, बेस्ट लोग तुहाडी लाइफ च होणगे, डिवाइन हैल्पर तुहाडी लाइफ च होणगे। मेरी भैण मेरे भाई, यीशु दे नाम च मैं डिकलेयर करदा, तुसी ब्लैसा, तुसी ब्लैसा, तुसी ब्लैसा, तुसी बरकत वाले आ, तुसी खुश होवोगे। अज तो बाद ताडे रोने जा चुके आ, ताडे हंजू पूंज रहा है परमेश्वर, ताडे कन्न खोल रहा है प्रभु। ओ हालेलुया।
पवित्र आत्मा जी थोड़ी वर्शिप हो, थोड़ी तारीफ हो, असी सारे थोड़ी फैलोशिप चाहते हैं वध तो वध। एवरीडे पवित्र आत्मा सानू अपनी फैलोशिप च लै चलो, प्रेयर च, मसे च, फायर च, अभिषेक दे विच, और वचना दे प्रकाशन दे विच, रेविलेशन च सानू लै चलो। बाय द वर्ड ऑफ गॉड असी चलिए। हालेलुया, प्रभु यीशु दे नाम च आमेन। मेरी भैन मेरे भाई, ये वचन जिदा मैं पहला भी बोलिया, दूजे तक वंडो। ये पावरफुल वर्ड आ कि तुहानू लोड़ आ परमेश्वर दे आत्मा नाल फैलोशिप करन दी। हालेलुया। शैतान तुहाडे दिल च पाउंदा, ओ तू सारी चीजां ते एक्टिव रह, तू फोन ते भी मैसेज जवाब दिया, तू फेसबुक ते भी जवाब दे, कुछ भी बिगड़नी वाला कुछ तुसी मिस नहीं करोगे। पर जे आत्मा ना ने अज समा गुजारिया ना, तुसी बहुत वड्डा कुछ मिस कर जाओगे। यस, मैं तुहानू कह रहा, यह समा वा उहदे आत्मा नाल फैलोशिप करन दा। तुसी कह रहे हैं मैं किद्दां करां, वह तुहाडी वेट कर रहा। अज जाना रूम च घुटने टेकना और कहना, परमेश्वर दे आत्मा मैं तुहाडा स्वागत कर दी हाँ, मैं तुहाडा स्वागत करदा, मेरे हिरदे नूं भर दिओ, मैनू यीशु वांगर बनाओ, मैं यीशु नूं प्यार कर सकां, मैं पिता नूं प्रसन्न कर सकां। ये वचन जदों मैं पढ़ा, मैनू समझाओ, मैनू वर्शिपर बनाओ, मैं सच्ची वर्शिप कर सकां। वह तुहाडे नाल गल करेगा, वह तुहाडी वेट कर रहा। मेरी भैन मेरे भाई, वह तुहाडी वेट कर रहा। कदों तुसीं उहनूं बुलाओ, वह वेट कर रहा। कदों तुसी उन्हां फैलोशिप करो, वो इंतजार कर रहा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हथां उठाइए, ग्रेस बोलांगे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत तुसा सबना दे नाल होवे। आमेन। गॉड ब्लैस यू। तुसी अज ब्लैस आ, गॉड ब्लैस यू। जल्द उहदी प्रेजेंस मिलांगे। इडली लई दुआ करते रहना। लॉर्ड हालातों बहुत वधिया कर रहा। इंडिया के किसानों दुआवां च याद रखना। लॉर्ड उन्हें प्रोटेक्ट करे और खुशी की खबर सुनावे। गॉड ब्लैस यू, गॉड लवस यू। मेरी भैन मेरे भाई, फिर जल्द उसकी प्रेजेंस मिलांगे। गॉड ब्लैस यू। जय मसीह की एवरीवन, जय मसीह की। गॉड ब्लैस यू।